दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में अक्टूबर 2019 के महीने में कौन सी 20 गाड़ियां सबसे ज़्यादा बिकी हैं। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा 20 गाड़ियां। सबसे नंबर वन पर वो बताऊंगा जिस गाड़ी की सबसे ज़्यादा यूनिट बिकी है, और 20वें नंबर पर वो बताऊंगा जो 20वीं पोजिशन पर आती है, यानी कि इनमें इन गाड़ियों में जो 20वें नंबर पर आती है उसकी कम यूनिट बिकी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानिए वो 20 गाड़ियां। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। 20वें नंबर पर आई है होंडा कंपनी की अमेज। अमेज एक 5-सीटर सिडान कार है। ये कार बहुत अच्छी सिडान कार है। इस कार की अक्टूबर 2019 में 5,134 यूनिट बिकी है इंडिया में। अमेज में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन मिलते हैं, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। और गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक्सशोरूम कीमत है 5,93,000 रुपये से, यानी कि इसके स्टार्टिंग प्राइस है। इसके बाद आती है रेनो की ट्राइबर, यानी कि अमेज से ज़्यादा बिकी है। ट्राइबर एक 7-सीटर MUV कार है। ये कार इस साल लॉन्च हुई है और लॉन्च होते ही इसकी सेल्स अच्छी खासी हो रही है। इस गाड़ी की अक्टूबर 2019 में 5,240 यूनिट बिकी है इंडिया में। ट्राइबर में आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है, इसमें 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। और गाड़ी के बेस वेरिएंट की कीमत है 4,95,000 रुपये की, यानी कि स्टार्टिंग प्राइस। 18वें नंबर पर यह रेनो की क्विड। क्विड एक 5-सीटर हैचबैक कार है। क्विड का हाल ही में फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ है, जो कि बहुत लाजवाब है। इस गाड़ी की अक्टूबर 2019 में 5,384 यूनिट बिकी है इंडिया में। क्विड में आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन पेट्रोल के दो इंजन, एक 0.8 लीटर का, एक 1.0 लीटर का। और गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक्सशोरूम कीमत है 2,83,000 रुपये की। इस कार के बाद आती है टाटा की टियागो। टियागो एक 5-सीटर हैचबैक कार है। ये कार टाटा की एक बेहतरीन गाड़ी है। इस गाड़ी की सेल्स फिगर बढ़ती रहती है और कभी कभी घट भी जाती है। इस गाड़ी की अक्टूबर 2019 में 5,460 यूनिट बिकी है। टियागो में आपको पेट्रोल डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है। इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.1 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। और गाड़ी के बेस वेरिएंट की कीमत है 4,39,000 रुपये की। हुंडई कंपनी की सैंट्रो, जो कि 16वें नंबर पर आई है। सैंट्रो एक 5-सीटर हैचबैक कार है। सैंट्रो को दोबारा लॉन्च करा गया है, वो भी 2018 में, और मार्केट में इसकी अच्छी खासी रिसेल वैल्यू है। इस गाड़ी की अक्टूबर 2019 में 5,855 यूनिट बिकी है इंडिया में। सेंट्रो में आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है और गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक्सशोरूम कीमत है 4,29,000 रुपये की। महिंद्रा बोलेरो पावर प्लस, जो कि 15 नंबर पर आई है। बोलेरो एक 7-सीटर SUV कार है। महिंद्रा बोलेरो एक बहुत पुरानी कार है इंडिया में, और ये ठीक ठाक बिकती रहती है, इस वजह से ये गाड़ी चल रही है। इस गाड़ी की अक्टूबर 2019 में 5,884 यूनिट बिकी है। बोलेरो में आपको सिर्फ डीजल इंजन मिलता है, वो भी 1.5 और 2.6 लीटर का डीजल इंजन। गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक्सशोरूम कीमत है 7,49,000 रुपये की। मारुति अल्टिगा। अल्टिगा एक 7-सीटर SUV कार है। अल्टिगा सबसे ज़्यादा बिकने वाली MUV कार है इंडिया में। इस गाड़ी की अक्टूबर 2019 में 7,197 यूनिट बिकी है। अल्टिगा में आपको पेट्रोल डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और 1.3 और 1.5 लीटर का डीजल इंजन, यानी डीजल में दो इंजन, और साथ ही साथ इसमें CNG का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि पेट्रोल इंजन में मिलता है। और गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक्सशोरूम कीमत है 7,54,000 रुपये की। हुंडई कंपनी की क्रेटा। क्रेटा एक 5-सीटर SUV कार है। क्रेटा कार अपने सेगमेंट में बहुत बिकती है। इस गाड़ी की अक्टूबर 2019 में 7,269 यूनिट बिकी है। क्रेटा में आपको पेट्रोल डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है। इसमें 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और 1.4 और 1.6 लीटर का डीजल इंजन, यानी डीजल में दो इंजन मिलते हैं। गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक्सशोरूम कीमत है 9,99,000 रुपये की।
12वें नंबर पर आई है हुंडई की वेन्यू, जिसने क्रेटा को भी पछाड़ दिया है सेलिंग में। हुंडई वेन्यू एक 5-सीटर एसयूवी कार है। वेन्यू कार इस साल लॉन्च हुई थी और लॉन्च होते ही इसकी सेल्स फिगर बहुत अच्छी रही है। इस गाड़ी की अक्टूबर 2019 में 8,576 यूनिट बिकी है। वेन्यू में आपको पेट्रोल डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है। इसमें 1.2 और 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और 1.4 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। और गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 6.5 लाख रुपए से। 11वें नंबर पर आई है हुंडई कंपनी की ग्रैंड आई10। ग्रैंड आई10 एक 5-सीटर हैचबैक कार है। इस गाड़ी की अक्टूबर 2019 में 9,876 यूनिट बिकी है इंडिया में। ग्रैंड आई10 में आपको पेट्रोल डीजल दोनों इंजन मिलते हैं। इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.2 लीटर का ही डीजल इंजन मिलता है। और गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 5,01,000 रुपए से। मारुति कंपनी की ईको। ईको एक 5 और 7 सीटर मिनी वैन कार है। इस गाड़ी की अक्टूबर 2019 की सेल्स है 10,011 यूनिट की। ईको में आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है। और गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 3,58,000 रुपए की। मारुति कंपनी की विटारा ब्रेजा। ब्रेजा एक 5-सीटर एसयूवी कार है। ब्रेजा एक बेस्ट सेलिंग एसयूवी कार है इंडिया में। इस गाड़ी की अक्टूबर 2019 में 10,227 यूनिट बिकी है। ब्रेजा में आपको सिर्फ डीजल इंजन मिलता है, जो कि 1.3 लीटर का डीजल इंजन है। और गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत है 7,62,000 रुपये की। मारुति कंपनी की एस्पेरिसो। जी हाँ, 8वें नंबर पर एस्पेरिसो आई है, जो कि न्यू कार है। ये कार 5-सीटर हैचबैक कार है। ये कार सितंबर के महीने में लॉन्च हुई थी, अभी 2 महीने पहले ही, और उसमें इसकी बहुत तगड़ी प्री बुकिंग हुई थी। इस गाड़ी की अक्टूबर 2019 की सेल्स है 10,634 यूनिट की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है नई गाड़ी की इतनी सेल्स। एस्पेरिसो में आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है, वो भी 1.0 लीटर का। और गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत है 3,69,000 रुपये से। किया कंपनी की सेल्टोस। सेल्टोस एक 5-सीटर एसयूवी कार है। ये गाड़ी इस टाइम पर सबसे ज़्यादा बिकने वाली एसयूवी कार है, जो कि काफ़ी खूबसूरत कार भी है। इस गाड़ी की अक्टूबर 2019 की सेल्स है 12,854 यूनिट की। सेल्टोस में आपको पेट्रोल डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है। इसमें 1.4 और 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। और गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत है 9,69,000 रुपये की। 6वें नंबर पर आई है कार मारुति कंपनी की वैगनार। वैगनार एक 5-सीटर हैचबैक कार है। इस गाड़ी की अक्टूबर 2019 की सेल्स है 14,359 यूनिट की। वैगनार में आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। इसमें 1.0 और 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। और गाड़ी की एक शोरूम कीमत शुरू होती है बेस वेरिएंट की 4,34,000 रुपये से। हुंडई कंपनी की ईलाइट आई20। आई20 एक 5-सीटर हैचबैक कार है। इस गाड़ी की अक्टूबर 2019 की सेल्स है 14,869 यूनिट की। ईलाइट आई20 में आपको पेट्रोल डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है। इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और 1.4 लीटर का डीजल इंजन। और गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत है 5,52,000 रुपये से। मारुति कंपनी की बलेनो। बलेनो एक 5-सीटर हैचबैक कार है। इस गाड़ी की अक्टूबर 2019 की सेल्स है, यानी कि बिकी है 16,237 यूनिट की। बलेनो में आपको पेट्रोल डीजल दोनों इंजन मिलते हैं, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर का डीजल इंजन। और गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत है 5,58,000 रुपये की। मारुति कंपनी की एल्टो। एल्टो एक 5-सीटर हैचबैक कार है। इस गाड़ी की अक्टूबर 2019 में 17,903 यूनिट बिकी है इंडिया में, जो कि तीसरी पोजीशन पर आई है सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में। एल्टो में आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलता है, वो भी 0.8 लीटर का और 1.0 लीटर का K10 में। यानी कि मैं सेल्स जो आपको बता रहा हूँ, जो एल्टो 800 और एल्टो K10 की है,
एल्टो 800 के बेस वेरिएंट की कीमत है 2,88,000 रुपए की और K10 के बेस वेरिएंट की कीमत है 3,60,000 रुपए की। मारुति कंपनी की स्विफ्ट। स्विफ्ट एक 5-सीटर हैचबैक कार है। इस गाड़ी की अक्टूबर 2019 में 19,401 यूनिट बिकी है, जो कि बिकने में इसे दूसरी पोजीशन पर लाई है। स्विफ्ट में आपको पेट्रोल डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन मिलता है। 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है और 1.3 लीटर का डीजल इंजन, और गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत है 5,14,000 रुपये की। और अब बात करते हैं उस गाड़ी की जो कि सबसे ज़्यादा बिकी है अक्टूबर 2019 में। उसका नाम है मारुति डिज़ायर। डिज़ायर एक 5-सीटर सेडान कार है। इस गाड़ी की अक्टूबर 2019 में सेल्स हुई है 19,569 यूनिट की। डिज़ायर में आपको पेट्रोल डीजल दोनों इंजन मिलते हैं, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.3 लीटर का डीजल इंजन, और गाड़ी के बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत है 5,82,000 रुपये की। तो ये थी वो 20 गाड़ियाँ जो सबसे ज़्यादा बिकी हैं इंडिया में अक्टूबर के महीने में। आपको इन गाड़ियों में कौन सी कार सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।